नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 37 की ओर चलते हैं। हम हमेशा कहेंगे क्रम से पाठ पढ़ेंगे आपको विशेष लाभ होगा। हम लोग शारीरिक अवयवों की बात कर रहे थे, हड्डी की बात हो गई सूर्य कारक, रक्त की बात हो गई चंद्रमा कारक, मंगल मसल्स के कारक मांसपेशियों के, और बुध त्वचा के कारक। हम सभी ये जान चुके हैं कि हमको अगर त्वचा में परेशानी है तो बुध को देखना चाहिए, मसल में कोई प्रॉब्लम है तो मंगल को देखना चाहिए, रक्त संबंधित कोई विकार है तो चंद्रमा को देखना चाहिए, और हड्डियों से संबंधित समस्या है तो सूर्य को देखना चाहिए। आगे गुरु की बात कर लेते हैं। अब गुरु शुभ ग्रह है। हम हमेशा इसलिए यहाँ कभी शुभ कभी कह देते हैं सुख के कारक या और कोई संज्ञा आपको साथ में बताते चलते हैं ताकि आपका रिवाइज होता रहे। शुभ ग्रह है और यहाँ किसके कारक हैं, ये वसा के कारक हैं। फैट कहते हैं अंग्रेजी में, चर्बी जिसको आप बोल सकते हैं। अब हमारे शरीर में मोटापा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब के सब गुरु बताएंगे। अब हम आपको हमेशा कहते हैं कि हम अभी सिर्फ गुण स्वरूप की जानकारी दे रहे हैं, अब ये पेट के इंटरनल ऑर्गन्स के विषय में भी बताते हैं, हम सूक्ष्मता से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग पहुँचे हैं कि हम क्या देखेंगे, फिर विशेष कैसे देखेंगे उसकी जानकारी हो जाएगी। तो यदि शरीर बहुत मोटा है, फैट से हम परेशान हैं, या बहुत दुबला पतला है, फैट हमारे शरीर में है ही नहीं, दोनों स्थिति में गुरु गुरु बहुत पीड़ित है तो फैट नहीं होगा या फैट बहुत हो जाएगा। सामान्य रूप से सामान्य शरीर होता है, लेकिन गुरु का यदि प्रभाव लग्न लग्नेश के ऊपर हो, इसको आगे आप समझेंगे, तो निश्चित रूप से शरीर भारी स्थूल शरीर कहते हैं गुरु का। तो गुरु से ही वसा के विषय में, अच्छा वसा की कमी से जो परेशानी होगी या उसके शरीर में मात्रा अधिक होने से जो परेशानी होगी, दोनों परेशानियों के लिए गुरु को ही देखना होगा। अब चूंकि ठीक है मोटे हैं, हमारे शरीर में स्फूर्ति की कमी है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मोटे लोग भी बहुत शीघ्रता से कार्य को करते हैं, लेकिन वो अमूमन आलसी होते हैं, बहुत धीरे धीरे कार्य को संपन्न कर पाते हैं, शरीर उसका कारण होता है, या कहें मोटापा उसका कारण होता है। तो अब मोटापा कारण है या मोटापा किसी भी प्रश्न में जुड़ के आता है, तो हमको कहाँ जाना होगा, गुरु के पास जाना होगा। गुरु पीड़ित है नहीं है इसको देखना होगा। इसको हम पत्रिका में कैसे देखेंगे आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कौन से शारीरिक अवयवों की बात करता है, तो शुक्र वीर्य की बात करता है। इसके बगैर तो ये चराचर जगत का चलना ही बंद हो जाता है। हम लोग कहते हैं ये संतान उत्पत्ति का कारक है। अब शुक्र को पत्नी माना है, लेकिन अब इससे कोई संबंध नहीं, शुक्र को शुभ ग्रह माना इससे कोई संबंध नहीं, अलग अलग भी समझना है। अब वीर्य से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, आप ऊर्जावान हैं या नहीं हैं, आपके शरीर में वीर्य की कमी है या नहीं है, संतानोत्पत्ति में आप सक्षम हैं या नहीं हैं, ये सब जो है शुक्र ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं और शनि की बात करते हैं। शनि स्नायु, स्नायु को हम सभी जानते हैं, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्व्स, जटिल नर्व्स हमारे शरीर में हैं, और उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शनि को ज्योतिष में समझना मुश्किल है, शुभ कहें अशुभ कहें योगकारी कहें, ज़्यादा पूजा शनि की करें या सूर्य की करें,
कर्म प्रधान देवता हैं तो इनका ज़्यादा पूजा होना चाहिए, लेकिन सूर्य का अधिक क्यों होता है? चलिए, अन्य बहुत प्रश्नों का उत्तर आगे मिलता रहेगा। यहाँ शनि स्नायु के कारक हैं और स्नायु से संबंधित जो कोई भी बीमारी हो जाए किसी को, तो आप ये मान के चलिए कि वो बीमारी कम समय में समाप्त नहीं होगा, वो बीमारी बड़े लंबे समय में समाप्त होगा। और समाप्त होगा या नहीं होगा ये भी संभव नहीं है। अगर किसी का हाथ हिलता है तो आप देखते हैं कि वो हिलता ही रहेगा, वो रुकता नहीं है। सर हिलता है तो वो हिलता ही रहेगा। किसी अंग को फड़कने की आदत है तो वो फड़कता ही रहेगा, वो सारे काम को नियमित करेगा, लेकिन उस स्थिति को रोक नहीं पाएगा। उस हलचल को, चाहे शरीर के जिस किसी भी अंगों में हो रहा हो, उस हलचल को नहीं रोक पाएगा। अब स्नायु से संबंधित जितने भी बीमारी होंगे उसके लिए प्रमुखता से शनि को देखा जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न आया कि हमने आपसे कहा कि ये दीर्घ रोग देने वाले ग्रह हैं, आपको हमने बताया है कि दुख के कारक। आज हमको बुखार हुआ, दो दिन बाद ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज यदि हम लकवा ग्रस्त हो गए या हमारे किसी नर्वस सिस्टम में परेशानी हो गई तो हम दो दिन में ठीक होंगे, दो महीने में ठीक होंगे, दो साल लगेगा या 20 साल लगेगा, इसको ज्योतिष ही बता सकता। डॉक्टर तो कहेगा कि चलिए फिजियो कराते रहिए, आप आराम पाते रहिए, स्वस्थ हो पाएंगे, इसकी गारंटी वहाँ नहीं। अब शनि मंदगामी ग्रह है, सबसे मंदगामी यदि कोई ग्रह है तो वो शनि है। हम शीघ्रगामी की बात किए, सबसे शीघ्रगामी ग्रह कौन था? चंद्रमा। और सबसे मंदगामी ग्रह कौन है? शनि। क्योंकि ये 2.5 साल में एक राशि परिवर्तित हो करता है, इसीलिए सबसे धीरे धीरे चलता है। आकृतियों को भी हम चर्चा में बताते हैं, आँख की भी परेशानी, पैर की भी परेशानी। तो ऐसे यदि पैर से संबंधित कोई परेशानी हो जाए, अब आँख में जो परेशानी होगी वो बहुत तरीके की परेशानी होती है, हम आपको बताते हैं। या तो एक आँख में कोई परेशानी हो जाए परमानेंट, या आँख, एक आँख दबा रहे हमेशा, हम उसको दबा के ही रखना पसंद करें। तो ऐसे परेशानियों के लिए शनि को ही देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि सिर्फ एक शब्द हम लिखते हैं, इसकी व्याख्या कितनी होती है? हमने जितना किया, हो सकता है कि हमसे भी अधिक व्याख्या आप करने में सक्षम हो जाएंगे जब हमको समझते रहेंगे, हमको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो गुरु वसा फैट, शुक्र वीर्य और शनि स्नायु, पूर्व में सूर्य से बुध तक हमने आपको बताया था, आज हमने आपको गुरु से शनि तक बताया। अब इनका काम हमको रोग निर्णय में, या रोग से कौन से अंग अधिक प्रभावित होंगे, या अब आगे जब हम लोग चिकित्सा ज्योतिष में जाएंगे तो कौन से ग्रह कौन से रोग के प्रदाता हैं, लेकिन प्रदाता होंगे उसका बीज यहीं से प्रारंभ होगा। शनि कोई भी ऐसा रोग नहीं देगा जो वसा से रिलेटेड हो, जो वीर से रिलेटेड हो, जो हड्डी से रिलेटेड हो। शनि हमेशा वही रोग देगा जो स्नायु नर्वस सिस्टम से संबंधित हो। शुक्र हमेशा वही रोग देगा जो विशेष रूप से वीर्य पर आधारित हो। गुरु हमेशा वही रोग देगा जो विशेष रूप से वसा के ऊपर आधारित हो। सूर्य हड्डी से संबंधित। तो कितना आसान होगा जब हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए आज ही हम एक एक शब्द सीखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। अगले क्लास में और कुछ बताएंगे, क्रम से पाठ को पढ़ते रहिए। अब हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। मित्र शत्रु की बात कर लेंगे, क्योंकि एक ही तरह का पाठ आपके समक्ष उपस्थित रहेगा तो आपका आनंद कम हो जाएगा। तो मित्र शत्रु की बात अगले पाठ में करते हैं, फिर हम ग्रह के गुण स्वरूप के ऊपर आएंगे। आज इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।